हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो गाइस, आज की स्टूडियो में हम जानेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन किया जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक एक जीरो बैलेंस का बेस्ट सेविंग अकाउंट है। इसमें गाइस आप घर बैठे ही अकाउंट को ओपन कर सकते हैं एंड ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देना है, ना ही आपको कहीं पर विजिट करना है। ऑनलाइन वीडियो KYC के माध्यम से आप अकाउंट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं एंड इसमें गाइस आपको इंस्टेंट के इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे UPI एप्लीकेशन चला सकते हैं। एंड गाइस बात करें अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है, वो आसानी के साथ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं एंड आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह तुरंत के तुरंत मिल जाता है। किस प्रकार से गाइस अकाउंट को ओपन करना है एंड कैसे KYC को कंप्लीट करना है, वर्चुअल डेबिट कार्ड को कैसे हैंडल करना है एंड फिजिकल डेबिट कार्ड कैसे मंगाना, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए गाइस फटाफट से करते हैं इस वीडियो को शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले। तो गाइस उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो ओपन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन। होम पेज का यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड इसका कुछ यूजर इंटरफेस दिया गया है। देख सकते हैं 7% का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट है, ऑनलाइन ऐप है इस बैंक का एंड बेनिफिट्स देख सकते हैं। विद जीरो बैलेंस अकाउंट सारा कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह दिया गया। नीचे देखेंगे व्हाट इज ए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वन बताया गया, 7% का इंटरेस्ट है, पेपरलेस प्रोसेस है, आधार एंड पैन वेरिफिकेशन करना होगा, इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट आपको FD में मिलेगा, नो चार्जेस फॉर नन मेंटेनेंस, आपको कोई भी चार्जेस मेंटेन नहीं करना। उसके नीचे और कुछ भी देख सकते हैं, टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे आप इसको रीड भी कर सकते हैं। तो वापस से हम इस पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको पहले मोबाइल नंबर फिल करना है, सेकंड में ईमेल आईडी फिल करना है और नीचे आपको अपने एरिया का पिन कोड इंटर करना है। अपने एरिया का पिन कोड नहीं है पता तो आप अपने आधार कार्ड के बैक साइड में देख सकते हैं। इतना कुछ फिल करने के बाद ओपन नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP को यहाँ फिल करेंगे एंड नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे गाइस आपको अपना पैन कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ पूरा फिल करना होगा। नीचे आपको अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर पूरा फिल करना होगा। उसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे एंड प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगला पेज आ जाएगा आपके सामने, फेच फ्रॉम NSDL। तो आपका यहाँ पे पैन कार्ड शो करेगा एंड आपका कुछ नाम का लेटर शो करेगा। आपको गाइस यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगला पेज आ जाएगा, तो अगला पेज में गाइस आपके आधार कार्ड से लिंकेड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। अगला पेज फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपका फोटो, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर वगैरह आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। अब नीचे के साइड में आपको ऑप्शन दिखेगा गाइस सेलेक्ट ऑक्यूपेशन का। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, प्रोफेशनल है, बिजनेस है, फार्मर है, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। चलिए अभी हम जिसका अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो स्टूडेंट है, तो हम स्टूडेंट सेलेक्ट कर देते हैं एंड आपको यहाँ पे मेजर इनकम सोर्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से फैमिली इनकम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने स्टूडेंट का अकाउंट खोलना है। नीचे आपको लेस ईयरली इनकम सेलेक्ट करना है अपने फैमिली का, तो यहाँ पे फिल करेंगे एंड आपको अपना जेंडर फिल करना है, फादर्स का नेम आपको फिल करना है अपने आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के अकॉर्डिंग। नीचे आपको अपने मदर्स का मेडन नेम इंटर करना है गाइस। यहाँ पे मदर्स का मेडन नेम आपको दोबारा से फिल करना है, कंफर्म करना है एक बार यहाँ। तो चलिए हम फिल कर देते हैं एंड नीचे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो अगला स्टेप है वो कुछ इस प्रकार से आता है, एड्रेस फिल करने का। तो हमने अपना एड्रेस पूरा यहाँ पे फिल कर लिया, आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस फिल करना है एंड पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। देन नीचे आपको गाइस प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करते हैं अगला पेज कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, एड नॉमिनी का। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया गया है, एड नॉमिनी एंड आई डू नॉट विश टू एड नॉमिनी। अगर आप बाद में एड करना चाहते हैं छोड़ भी सकते हैं। तो अभी हम इंस्टेंट एड करना चाहते हैं नॉमिनी। तो यहाँ पे नॉमिनी का नेम डालेंगे जिसको भी आप नॉमिनी रखना चाहते हैं। नीचे नॉमिनी का रिलेशनशिप सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनी आपके क्या लगते हैं एंड नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। एंड गाइस अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो आपको इसको अनेबल कर देना है, तो आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा एंड आपको प्रोसीड कर देना है। अब अगला पेज आ जाएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना, सारे टर्म्स को एक्सेप्ट कर देना है एंड प्रोसीड टू MPIN वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला पेज गाइस सेट MPIN का आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से 6 डिजिट का MPIN सेट करना होगा जिसका यूज आपको आगे पड़ेगा। आपको अपने मन से यहाँ पे कोई सा भी नंबर 6 नंबर यहाँ पे फिल करना है एंड आपको एक बार री इंटर करना है MPIN को, दोबारा से फिल करना है। उसके बाद कन्फर्म MPIN वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा पेज लोडिंग लेता है, आपको थोड़ा सा वेट करना है MPIN सेट
सक्सेसफुली। अब देख सकते हैं गाइस हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिल गया एक ही बार में। अब इसको ऑनलाइन यूज करने के लिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस अलाउ फॉर ऑनलाइन यूज, तो आपको इसको अनेबल कर देना है एंड आप इसको यूज कर सकते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड को। फिजिकल डेबिट कार्ड आपके केवाईसी के बाद आपके एड्रेस पे बाय पोस्ट कर दिया जाएगा। तो नीचे देख सकते हैं नीड ए फिजिकल कार्ड, कंप्लीट योर केवाईसी टू अप्लाई फॉर ए फिजिकल डेबिट कार्ड। तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है केवाईसी करने के लिए। अब नीचे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है एंड आपको स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसा देख सकते हैं यूपीआई आप यूज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। योर 811 अकाउंट इज नाउ रेडी, थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पे पेज थोड़ा सा लोडिंग लेता है। तो फाइनली देख सकते हैं हमारा अकाउंट पूरी तरह से ओपन हो चुका है यहाँ पे। अब हमें केवल वीडियो केवाईसी कंप्लीट करके अपना अकाउंट ओपन करना होगा। नीचे के साइड में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी वगैरह यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा एंड ऊपर के साइड में आपको अकाउंट नंबर, सीआरएन नंबर, आईएफएससी कोड, यूपीआई हैंडल दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे गाइस कंप्लीट फुल केवाईसी करना होगा। यहाँ पे अकाउंट का लिमिट वगैरह दिख रहा है, तो जैसे आपका केवाईसी कंप्लीट होता है लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो अभी हम कंप्लीट फॉर केवाईसी पे क्लिक करते हैं एंड अगला पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है। आपको ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है, अपना एक प्रोफाइल पिक्चर का सेल्फी अपलोड करना होगा एंड आपको सिग्नेचर करके दिखाना होगा व्हाइट पेपर में। प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे केवाईसी करने के लिए। तो अगला पेज आपके सामने वीडियो केवाईसी ऑन मोबाइल का कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस हम लैपटॉप से कर रहे हैं, तो वीडियो केवाईसी करने के लिए मोबाइल का ही जरूरत पड़ेगा, तो हम अपना मोबाइल से केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे एंड अगर आप चाहें तो शेड्यूल ए विजिट भी कर सकते हैं। जैसे कि एजेंट को आप अपने एड्रेस पे भी बुला सकते हैं, तो उसके लिए नीचे ऑप्शन दिया गया है शेड्यूल ए विजिट का, तो आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो केवाईसी नहीं होगा क्योंकि हम लैपटॉप से कर रहे हैं। तो शेड्यूल केवाईसी करने के लिए आपको नीचे का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करते गए शेड्यूल ए विजिट पे आपके सामने पूरा शेड्यूल आ जाता है। आप किस डेट को बुलाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट घर बैठे ही आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। आशा करते गए कि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी प्रकार का मन में कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ गाइस, अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।